मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और दीर्घकालिक सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सतत विकास और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने के लिए प्रदेश सरकार हरित ईंधन जैसे जल विद्युत और सौर ऊर्जा के प्रयोग पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल विद्युत संसाधनों में बहुत समृद्ध है और भारत की कुल क्षमता का लगभग 25% हिमाचल प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता से अभी तक 10,519 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदेश में शीघ्र ही राज्य स्वच्छ ईंधन नीति लाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल जलवायु परिवर्तन संदर्भ केंद्र का शिलान्यास भी किया। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लीनियर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीसी एवं डीआरआर पर नॉलेज नेटवर्क के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना भाग 2 और हिमाचल प्रदेश में CAFRI कार्यक्रम भी लॉन्च किया। कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीज़ों पर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं। उन सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। प्लान हमने हिमाचल की तरफ से आज रिलीज़ किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के अध्यक्ष सोनम वांगचुक ने हिमाचल प्रदेश द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वाकांक्षी उपायों की सराहना की। उन्होंने जलवायु साक्षरता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आपदाओं को रोकने के लिए समय पर सार्थक कदम उठाने चाहिए। शैक्षणिक शोध संस्थानों में स्थानीय क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन करना चाहिए। रेगिस्तान में तो खुशी की बात है, बात इतनी है कि उस पानी को अगर हम ढंग से रोक सकें और फिर अपने काबू में ला सकें तो वो एक वरदान है। अगर वो नहीं कर सके और पानी जैसे ही गिरे वो गिर के हमें बहा के ले जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं, वो आपदा है। तो हमें ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी ज्ञान बढ़ाएं, तकनीकें बढ़ाएं और पहाड़ों में ही ऐसे पौधे जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे पहाड़ों में उगते हैं जैसे जूनिपर हुआ, वाइल्ड रोज हुआ, उनको अगर बड़ी संख्या में उगाते हैं तो जब बारिश बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश बढ़ेगी, मगर उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हों और हमने पौधे लगाए हों तो वो उसे जज्ब करेगी और फिर धीरे धीरे पूरे साल भर छोड़ती रहेगी। तो इससे ये एक समाधान होगा, समस्या नहीं। मगर अगर हम कुछ ना करें, बैठे रहें और फिर परिवर्तन हो बिना तैयारी के, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ग्लेशियर्स हमारे सामने, आंखों के सामने पिघलते हैं, मतलब जो हम बचपन में रोड के साइड पे देखते थे वो आज किलोमीटर दूर हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो किसी काम की हो ना, हमारे लोगों को तैयार करे कि कोई आपदा आए तो कैसे निपटें और कैसे रोकें, पानी को कैसे संभालें।
ये सब सिखानी चाहिए। हम बेकार की बातों में बच्चों को उलझाए रखते हैं 10 साल या फिर 15 साल, और फिर जब आपदाएं आते हैं तो हमें पता नहीं होता है क्या करना है। तो इसलिए बदलने की ज़रूरत है इन हर संस्थाओं को। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे धर्म हैं, दुनिया के सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, मगर जिस तरह की हिंसा होती थी 1000 साल पहले जिसके लिए धर्म बने थे, वो हिंसा आज होती ही नहीं है। आप सर्च कीजिए कॉजेज ऑफ डेथ, शूरा बंदूक का जो डेथ है वो 26वें नंबर पे है। पहला, दूसरा, तीसरा है जलवायु से, लाइफस्टाइल से, जीवन शैली ही हमारी हिंसक बन गई है। आज हमारे गाड़ियों और इंडस्ट्री के कारण 70 लाख से करोड़ लोग मर रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी जंग के बराबर है। तो हिंसा इस तरह से हो रही है आज, हिंसा हमारे कारों से हो रही है, हवाई जहाज़ों से हो रही है। तो हमें अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है, और हमारे धार्मिक गुरुओं को इन बातों को धर्म के अंदर लेने की ज़रूरत है, जो आज की चुनौतियाँ हैं। अगर हम 1000 साल पहले की बातों को ही बताते रहें तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे मस्जिदों में, मंदिरों में आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि समस्या कुछ और है और बात कुछ और। तो जलवायु, प्रकृति, इन सब बातों पे हमारे मजहबों को भी बोलने की ज़रूरत है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं इनको प्रदूषण फैलाने के, उनको पे करना चाहिए। वो चाहे वो कार्बन क्रेडिट से करें या ग्रांट से करें, मगर जो हिमाचल के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं, जो बाढ़ों को जूझ रहे हैं बाढ़ों से, उनका ये नहीं है गलती। तो जिनकी गलती है उनको पैसे भी देने चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, उत्तराखंड विस्थापन बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ एस नेगी, संयुक्त सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुणाल सत्यार्थी, सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश आशीष तिवारी, पूर्व विशेष सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर रश्मि, राजस्थान के ट्रीमैन पद्मश्री हिमता राम भांबू, IIS के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, निदेशक जलवायु परिवर्तन डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी, विभिन्न सचिव, विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।